कह रहे हैं बताएं कि ये दो तरीके से उसके पास ऑप्शंस हैं लोन लेने की, इन दोनों ऑप्शंस में से कौन सी ऑप्शंस उसके लिए फायदेमंद होगी। अब आप 0.0824 को 30,000 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर आता है 2472.96, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट की सूरत में उसको कितना पे करना पड़ेगा, 2472, और सिंपल इंटरेस्ट की सूरत में उसको कितना पे करना पड़ रहा है, 2460। यानी ऑप्शन ए में, पहली ऑप्शन में इंटरेस्ट रेट ज्यादा है लेकिन अमाउंट कम है, सेकंड ऑप्शन में इंटरेस्ट रेट कम है लेकिन अमाउंट ज्यादा बन रही है, इसलिए आप आंसर में लिखेंगे कि ऑप्शन वन इज मोर एडवांटेजेस टू हिम बिकॉज ही हैज टू पे लेस अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, मोहतरम असातिज़ा इकराम और न्यू नॉलेज अकेडमी के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आई कम पार्ट वन की बिजनेस मैथमेटिक्स की बुक में से हम कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। एक्सरसाइज 2.2 में से कंपाउंड इंटरेस्ट जिन क्वेश्चंस में हमने फाइंड आउट करना है उनमें से हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6, 9 सॉल्व कर चुके, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1, 6 सॉल्व कर चुके। आज हमने पार्ट 7 सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 7 आज सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन मैंने लिख लिया है स्टूडेंट्स। अ मैन नीड्स टू बोरो रुपीज 30,000 फॉर 2 ईयर्स। एक शख्स 30,000 रुपये उधार लेना चाहता है, उसको उधार की ज़रूरत है, 2 साल के लिए वो उधार लेना चाहता है। बीच ऑफ द फॉलोइंग लोन इज मोर एडवांटेजेस टू हिम। कह रहे हैं बताएं कि ये दो तरीके से उसके पास ऑप्शंस हैं लोन लेने की, इन दोनों ऑप्शंस में से कौन सी ऑप्शंस उसके लिए फायदेमंद होगी। पहली ऑप्शन क्या है जी, 4.1% सिंपल इंटरेस्ट, यानी उसके पास ऑप्शन है कि 30,000 रुपये 2 साल के लिए 4.1% सिंपल इंटरेस्ट पे ले ले, या 4% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली पे ले ले उधार। अब देखने में तो आप देखें यहाँ इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, इसमें उसको नुकसान हो रहा होगा, और 4% इंटरेस्ट रेट कम है, इसमें इसको फ़ायदा हो रहा होगा, देखने में तो ये लगता है, लेकिन जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो फिर आपको समझ आएगी कि उसको किस में फ़ायदा होगा, ऑप्शन वन में फ़ायदा होगा उसको या ऑप्शन टू में फ़ायदा होगा। तो ये आप ऐसे समझ लें स्टूडेंट्स कि आपका एक क्वेश्चन है लेकिन आपके इस एक क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन हैं, एक सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन और एक कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन। सिंपल इंटरेस्ट के भी तमाम क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट के भी हम काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, और आज हमारा लेक्चर 11 है कंपाउंड इंटरेस्ट का स्टूडेंट्स। तो अगर आपने पिछली वीडियोज़ नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में तमाम वीडियोज़ के लिंक्स हैं, आप वहाँ से उन वीडियोज़ को देख लें, या यहाँ आई बटन में भी इन तमाम वीडियोस की प्लेलिस्ट का लिंक आ रहा है, आप यहां से भी इन वीडियोस को देख सकते हैं स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि हमें 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, पी हमारे पास है 30,000 और एन हमारे पास है 2। दोनों क्वेश्चन में पी और एन यही रहेंगे, आई चेंज हो जाएगा दोनों क्वेश्चन में। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, पहले ऑप्शन ए की कैलकुलेशन करते हैं हम। तो ऑप्शन वन में हमें सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो इसकी हम यहां फिगर्स पहले लिख लें। पी हमारे पास है स्टूडेंट्स 30,000 और एन हमारे पास है 2 और आई हमारे पास है स्टूडेंट्स 4.1%। इसको जब आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, 4.1 को 100 पे डिवाइड करेंगे तो 0.041 हमारे पास आ जाएगा। तो एस आई हम कैलकुलेट करते हैं, एस आई का सिंपल फार्मूला है पी मल्टीप्लाई बाय आई मल्टीप्लाई बाय एन। तो 30,000 मल्टीप्लाई बाय आई हमारा है 0.041 मल्टीप्लाई बाय 2। इन तमाम वैल्यूज को जब आप कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा स्टूडेंट्स 2460। ये हमारा एस आई आ गया, यानी फर्स्ट ऑप्शन पे अगर वो जाता है तो उसको 2460 रुपये इंटरेस्ट की सूरत में पे करने पड़ेंगे,
अब हम देखते हैं कि सेकंड ऑप्शन पे हमारी कैलकुलेशन किस तरह से आती है और सेकंड ऑप्शन में उसको इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ता है। सेकंड ऑप्शन हमारे पास है 4% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली, तो सेकंड ऑप्शन की कैलकुलेशन में पी और एन हमारे वही रहेंगे। पी हमारा 30,000 स्टूडेंट्स, एन टू एंड आई इज इक्वल टू 4%। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट रेट के साथ लिखा हुआ है कंपाउंडेड सेमी एनुअली, यानी साल में दो मर्तबा इंटरेस्ट कैलकुलेट होना है। तो जब सेमी एनुअली हो, साल में दो मर्तबा इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होनी हो, तो हम एन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और आई को 2 पे डिवाइड कर देते हैं। तो एन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो एन आ गया आपका 4, और आई को 2 पे डिवाइड किया तो ये आ गया आपके पास 2%। 2% को जब आप 2/100 करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 0.02। अब एन हमारा 4 और आई हमारा 0.02। कंपाउंड इंटरेस्ट का अब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, सी आई इज इक्वल टू पी ब्रैकेट ओपन 1 प्लस आई की पावर एन माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज। पी हमारा स्टूडेंट्स क्या है जी, 30,000, 30,000 वन प्लस आई क्या है 0.02, और एन 4 पावर 4 आ जाएगी माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज। 30,000 1 प्लस 0.02 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1.02। अब आपने 1.02 की कैलकुलेटर से पावर लेनी है, अब हम कैलकुलेटर से 1.02 की पावर 4 लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1.0824-1। अब 1.0824 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.0824। अब आप 0.0824 को 30,000 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर आता है 2472.96, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट की सूरत में उसको कितना पे करना पड़ेगा, 2472, और सिंपल इंटरेस्ट की सूरत में उसको कितना पे करना पड़ रहा है, 2460। यानी ऑप्शन ए में, पहली ऑप्शन में इंटरेस्ट रेट ज्यादा है लेकिन अमाउंट कम है, सेकंड ऑप्शन में इंटरेस्ट रेट कम है लेकिन अमाउंट ज्यादा बन रही है। इसलिए आप आंसर में लिखेंगे कि ऑप्शन 1 इज मोर एडवांटेजेस टू हिम बिकॉज ही हैज टू पे लेस अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। जाहिर है उसको फायदा उसी ऑप्शन में होगा जिस ऑप्शन में उसको कम इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो ऑप्शन 1 में उसको कम इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, इसलिए ऑप्शन 1 उसके लिए मोर एडवांटेजेस है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आज का क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अगर कुछ बच्चों को कैलकुलेटर से कैलकुलेशन समझ नहीं आ रही तो वो कमेंट्स में बता दें। इस क्वेश्चन से पहले मैंने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उन तमाम क्वेश्चन में मैंने आपको साथ साथ कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करके भी दिखाया है कि कैलकुलेटर से आप किस तरह कैलकुलेशन करेंगे। लेकिन अभी भी अगर आप में से किसी स्टूडेंट को कैलकुलेटर से पावर लेनी या कैलकुलेशन करनी ना आ रही हो, वैसे तो मैं सारे स्टेप्स 1 बाय 1 लिख रहा हूँ, मैंने डायरेक्ट किसी का भी आंसर नहीं लिखा है, तो लेकिन इसके बावजूद अगर आपको समझ ना आए तो आप कमेंट्स में लाजमी लिखा करें ताकि आपको जो प्रॉब्लम आ रही है, कोई मसला आ रहा है, उसका सलूशन किया जा सके। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको आज का क्वेश्चन समझ आ गया है तो आप इस वीडियो को लाइक लाजमी करें और कमेंट्स करके अपनी राय भी ज़रूर दिया करें, ताकि अगर आपको समझ आई है तो आप मेंशन करें, इससे हमें अप्रिसिएशन मिलती है, और अगर आपको समझ नहीं आई तो हम अपना वे ऑफ टीचिंग इससे भी बेहतर करने की कोशिश करेंगे। और अगर स्टूडेंट्स आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को लाजमी ऑन कर लें ताकि आपका कोई क्वेश्चन मिस ना हो सके। और आप इस वीडियो को और चैनल की दूसरी वीडियोस को भी अपने क्लास फेलोज और फ्रेंड्स के साथ भी लाजमी शेयर किया करें, ताकि जिस तरह
आप इन वीडियोस को देखकर इनसे सीख रहे हैं और आपका फायदा हो रहा है। आपकी वजह से आपके क्लास फेलोज और फ्रेंड्स भी इन वीडियोस को देखकर इनसे कुछ सीख सकें और उनका कुछ फ़ायदा हो सके। आखिर में मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम स्टूडेंट्स को, मेरे तमाम नाज़रीन को और पूरी उम्मत मुस्लिमा को दीन और दुनिया के तमाम इम्तहानात में कामयाबियाँ अता फरमाए, हम सब की बख्शिश और मगफरत फरमाए और खात्मा बिल ईमान फरमाए। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखा करें। अगली वीडियो तक के लिए फी अमानिल्लाह।